हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। उसके टॉपिक की वन हैंड मोड किस प्रकार से सेट करते हो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है पोको का फ़ोन है और ये शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाता है डिजिटल सेटिंग का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है और फिजिकल का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड सॉरी फ्रेंड्स, आपको इस पर नहीं क्लिक करना है, सॉरी। एंड आप एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहीं पे दिख जाता है वन हैंड मोड, आप उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ऑन होता है, उस तरीके से ऑफ होता है। अगर ये ऑन है तो आप गूगल असिस्टेंट सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे इसमें बता रही वैसे आपको करना होगा। तो ऐसे ही हम उसको करेंगे, इस तरीके से प्रेस करके हल्का सा करेंगे, इस तरीके से आप लेके जाएंगे। जो ब्लैक रहता है उधर साइड लेके जाना है, इस तरीके से। देख सकते हैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैं इधर से लेके आ गई। अगर इधर साइड लेके आते इधर साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरीके से सेट करना आ गया होगा। एंड ये इंच भी सेट किया जाता है इसमें, देख सकते हैं। हल्का सा ऐसे लेकर जाएंगे तो ये इंच होता है, देख सकते हो 4.0 4.5 इंच, इस तरीके से इंच अपने हिसाब से ऐड करें। जितने आप एक फिंगर से आप आसानी से चला पाए इतने अपने हिसाब से इंच ऐड कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से इस पर क्लिक करते तो आपका बड़ा नॉर्मल पा जाएगा। इस पर क्लिक करते यहाँ से ऑफ़ करते तो यहाँ पर पूरा ऑफ हो जाएगा। अब जितना भी कलर नहीं होगा सेट, देख सकते हैं। अगर ऑन है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इंच भी अपने हिसाब से ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं वापस नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से वन हैंड मोड का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।